बंगाल के थे। अच्छा। रवींद्रनाथ टैगोर के जैन हाथ मेरे वहाँ एलुमिनाई में उनका नाम पड़ा था। हाँ? और ये अमृत्य सेन के रिलेशन में। हाँ? कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कितना हो सकता है। मोहित सेन की उनका रिलेशन है। आज चंबा कला में किताबों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है और ये किताबों की प्रदर्शनी हमेशा यहाँ लगती रही। 2-3 वर्षों से कोरोना की वजह से या कोई ऐसे कारण रहे कि यहाँ हम प्रदर्शनी नहीं लगा पाए, लेकिन गत 50 वर्षों से 52 वर्षों से कम हमने लगातार साहित्य प्रदर्शनी लगाने का प्रयास किया है। और ये इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि विशेष करके आज जो चैलेंज है हमारे सामने वह एक इंटरनेट की दुनिया में जिस तरीके से बच्चा खो गया है और नौजवान पीढ़ी भी इस मोबाइल के चंगुल में फंसी जा रही है और पुस्तक संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुस्तान में बहुत से पब्लिशर्स किताबें छाप रहे हैं, बहुत से राइटर लिख रहे हैं, सारा कुछ लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने की प्रवृत्ति लोगों में कम हो रही है। अगर कहीं किताबें ले भी रहे हैं तो किताबों की प्रति रुझान कम हो रहा है पढ़ने। तो इसी प्रयास को जिंदा रखने के लिए हमारा ये प्रयास है कि चंबा जैसे इस इंटीरियर जिला में हम लगातार ये जारी रखें इस प्रकार की प्रदर्शनी, पुस्तकों की प्रदर्शनी। और विशेष करके हमारा जो यहाँ साहित्य है वो सूचना और प्रसारण विभाग, हिमाचल सरकार, भारत सरकार व NBT नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो ज़्यादा साहित्य है इसमें रखा गया यहाँ पे। इसके अलावा हिंदुस्तान के बहुत से अगुआ ऐसे पब्लिशर्स हैं जो बढ़िया किताबें छापते हैं, बड़े अच्छे विद्वान साहित्यकारों की किताबें छापते हैं, यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। और बाल साहित्य, हमने बाल साहित्य के ऊपर बड़ा विशेष ध्यान दिया क्योंकि बच्चों के लिए आकर्षक किताबें होंगी तो मोबाइल की दुनिया से उसका पीछा छूटे। और हमारे लिए एक चैलेंज बड़ा ये कि गाँव की महिलाएँ ज़्यादातर 2 साल के बच्चों को मोबाइल पकड़ा रही है, काटने जा रही हूँ या गाय दूने जा रही हूँ और बच्चा जो मस्त हो रहा है। हो सकता है कि गांव में इसका ज़्यादा प्रचलन हो जाए और अब उनको कोई समझाने वाला तो है ही नहीं कि भाई इससे दुष्प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर। और बच्चे जिद्दी हो रहे हैं कि जब वो मोबाइल नहीं आएगा तब तक वो खाना तक भी वो खाने के लिए इनकार करेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि बच्चों से लेकर के नव पीढ़ी और जो भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उनके आगे एक जैसे होते एक बाकायदा इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाए माहौल, और ताकि ये अपना चयन करे अच्छे लिटरेचर का और उसका अध्ययन करे। तो यही हमारा ज़्यादा प्रयास है। सेल काउंटर भी यहाँ पे है आपका कि क्या सेल काउंटर इस बार मुझे जैसे निर्देश हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि यहाँ आप क्योंकि कमर्शल गतिविधि के लिए चौहान का है नहीं ऐसा, लेकिन अब हम उनके आदेश का पालन करते हुए हम इनकार कर रहे हैं कि हम किताबें बेचेंगे नहीं, लेकिन अब प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अब इतना प्रयास किया है और हम इसको एक जगह बंद रखें, बंद कमरे में, तो सीढ़ी लगेगी इस किताब को और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा प्रयास है कि चलो चाहे हम ना भी सेल करें तब भी हम इसको प्रदर्शित करें। तो यही तो बिना बेचे और लोगों तक पहुँचे, बिना बेचे और लोगों तक पहुंचे बिना किस तरह से उनको इसका ज्ञान मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा हमें निर्देश हुए कि आप किसी अलग काउंटर में जा करके उनको कह दीजिएगा वहाँ किताब मिलेगी, ऐसा हम ऐसा कानून का पालन कर रहे हैं। चंबा की आज की यहाँ जो किताबों की आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है और आज इन्होंने आज यहाँ मुझे बुलाया है, मुझे मौका दिया इन किताबों के बारे में जानने के लिए, इनका इतिहास, पृष्ठभूमि, सारी चीज़ें जो हैं मैंने यहाँ जानने की कोशिश की। तो मेरा ऐसा मानना है कि रीडिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है और आजकल जैसे समय बदल गया है तो जो हमारे बच्चे हैं वो रीडिंग की हैबिट से थोड़े से जैसे मुझे लग रहा है कि बिछड़ रहे हैं और जो ज्ञान पढ़ने से मिलता है उससे ज़्यादा ज्ञान तो कोई हो ही नहीं सकता। और बहुत अच्छा इन्होंने जो आज मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं और हमारे प्रसिद्ध जो हमारे लेखाकार हैं वो उनमें से हैं और अभी काफ़ी उनसे भी इन्होंने मुझे काफ़ी जानकारी दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी हमारे शहर के बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं और जो मिडिल एज के लोग हैं वो इस पुस्तकालय का या जो भी ये कुटीर है इसका फ़ायदा उठाएंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। और अगर कोई आदमी ये बोले कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं परफेक्ट हूँ और मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ असंभव है। ये एक समुंदर है और जितना आप पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा आप जो है और आपकी जो जिज्ञासा है पढ़ने के बारे में जागेगी। तो मैं एक बार फिर से पुस्तक कुटीर चंबा के जितने भी मेरे आज यहाँ साथी हैं सबको जो है आपको बहुत बधाई भी देना चाहूँगा और मैं ये आशा करता हूँ कि जो आप कार्य कर रहे हैं ये आगे भी आप करते रहेंगे क्योंकि इससे जो है आने वाले वक्त के अंदर जो है हमारे समाज का भी जो है भला होता है और जो बच्चे हैं अपने आप को जो है प्रॉपरली एजुकेट कर सकते हैं। सर अभी हाल ही में आपने स्टेट लेवल की कराटे चैंपियनशिप का भी शुभारंभ किया, इसके बारे में भी दो शब्द। आज बड़ी खुशी हुई कि 12 डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे हैं आज कराटे, आज चंबा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जो है स्टेट कराटे एसोसिएशन की तरफ से आज जो है कराटे की प्रतियोगिता का जो है आज यहाँ आगाज़ किया गया और मुझे यहाँ ओपनिंग करने के लिए जो है मैं वहाँ गया हूँ। NHPC में जो ये प्रतियोगिता जो है ये हो रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कराटे हो गया, ताइक्वांडो हो गया, कुंफू हो गया और अन्य ये जो स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग हो गई, तो ये सारी मिलीजुली स्पोर्ट्स हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर जो है हमारे अभी कई लोगों को कराटे कुटे और कुंफू और अन्य जो इस टाइप की सेल्फ डिफेंस टेक्निक से जो रिलेटेड स्पोर्ट्स हैं, तो हमारे सारे लोगों को इन स्पोर्ट्स के बारे में पूरा ज्ञान भी जो नहीं है आजकल। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 12 डिस्ट्रिक्ट से और यंग एज के बच्चे, और उसमें स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहूँगा लड़कियाँ जो हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लड़कियां भी थीं उसके अंदर। तो नेचुरली स्पोर्ट्स हमेशा जो है उसमें पार्टिसिपेशन जो है फ़ायदेमंद रहती है। और जहाँ तक आप बॉक्सिंग की बात करो या कुश्ती की बात करो या ताइक्वांडो की बात करो, तो इनमें से कई स्पोर्ट्स जो हैं वो एशियाड्स और ओलंपिक्स के अंदर भी हैं। अब कराटे मेरे ख्याल से था और अब 2020 तक था, अब मेरे ख्याल से हट गया है, तो ये इनकी इनरोलमेंट चलती रहती है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर जब कोई नौकरियों की बात आती है, और अब तो स्पोर्ट्स में अगर आप एक्सेल करते हैं तो आपका रोज़गार का मतलब माध्यम भी ये जो है बन सकती है। हमारे जो नीरज जी थे उन्होंने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, तो बहुत बड़ी बात है। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैवलिन वॉज नॉट अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया टिल नीरज जी मेड हिज मार्क। तो ऐसा नहीं है, अब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने तो एक चीज़ देखी है कि गांव के अंदर खासकर बच्चों में बहुत प्रतिभा है, और मैं तो अपनी तरफ से अभी कोशिश करूंगा कि आने वाले इन 5 वर्षों के अंदर चंबा के अंदर भी जो है हम कुछ एक तो यहाँ चाहे इंडोर स्टेडियम्स बने जिसके अंदर ये छोटी मोटी फैसिलिटीज़ जो हैं हम अपने बच्चों को जो है यहाँ दे सकें, ताकि जो बच्चे इनमें रुचि रखते हैं, टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी की बात है, हम उनको अगर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें तो। ऐसे ही आज ये पुस्तकालय की भी आज ये जो पुस्तक कुटीर की यहाँ बात की है, तो ये ऐसे मौके हैं जिन जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो खुद स्वयं यहाँ आएंगे और किताबें पढ़ने के लिए आएंगे। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है बुद्धिजीवी लोग जो समाज में हमारे बैठे हैं वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। सरकार ही सारी चीज़ें करे ये संभव नहीं है। हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं और वो लोग जो है अपनी पार्टिसिपेशन जो है करते रहते हैं और अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं कि समाज के अंदर जो है अपना योगदान जो है वो दे सके। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें जो हैं चलती भी रहनी चाहिए। और मैं आप सब साथियों को जो है आज यहाँ जिन्होंने मुझे यहाँ आज आने का मौका दिया, मैं आप सबको जो है मुबारकबाद भी देना चाहूँगा अपनी तरफ से। और मैं